हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि डिजाइन ऑफ कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल एक्सियल लोड एंड बाय बेंडिंग तो लास्ट लेक्चर जितने भी हुए हैं कॉलम के उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हम कॉलम को कैसे डिजाइन करें एक्जेली लोडेड कॉलम हो और कैसे डिजाइन करें जब वो यूनि एक्ज लोडेड हो ठीक है और आज हम बात करेंगे बाय एक्सियल लोडिंग तो एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ये कॉलम का आपका क्रॉस सेक्शन है टॉप व्यू ठीक है और ये इसके एक्सिस हैं ये एक्स है ये वाई है ठीक है, है और अगर लोड आपको यहां पे लग रहा है उसके सेंट्रोइड के से कौन साइड हो रहा है तो क्या होगा वो एक्सियली लोडेड ठीक है अगर वो किसी मोमेंट डेवलप किसी एक एक्सिस पे हो रही है यानी कि अगर लोड लग रहा है इस एक्सिस पे तो मोमेंट जनरेट हो रही है एम वाई इस पे लग रहा है तो एम एक्स किसी एक एक्सिस पे मूवमेंट जनरेट हो रही है ड्यू टूटिटी ऑफ लोड इन वन एक्सिस तो उसको क्या बोलेंगे हम लेकिन अगर दोनों में जनरेट हो रही है दोनों एक्सिस पे मूवमेंट जनरेट हो रही है अगर एक्स में भी वाई में भी इसका मतलब क्या है कि हमारा लोड यहाँ पे है कहीं है ना तो अगर मूवमेंट किसी एक एक्सिस की अलोंग जनरेट हो रही है तो एम एक्स या एम वाई एक के अलोंग तो वो ब्यूनी एक्सेल होता है अगर मूवमेंट जनरेट ही नहीं हो रही तो वो एक्सल होता है अगर दोनों एक्सेस पे मूवमेंट जनरेट होती है तो बाई एक्ल होता है तो आज हम डिजाइन ऑफ ए शॉर्ट कॉलम हमारे शॉर्ट कॉलम चल रहे हैं ठीक है डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम विद एक्सल लोड एंड बाई एक्सल बेंडिंग ठीक है तो हाँ तो ये जो होता है ना बाई एक्सल लोडिंग वाला जो कॉलम होता है ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक्सट्रीमली लेबोरियस होता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना आई एस फोर फाइव ने एक इक्वेशन दी है इस इक्वेशन को परमिशन दी है कि इस इक्वेशन को आप यूज करके डिजाइन कर सकते अब इस इक्वेशन को समझो एम यू एक्स अभी मैंने बताया है कि कॉलम के एक एक्स है और एक वाई है ठीक है और वाई एक्सल में दोनों एक्सेस पे मोमेंट जनरेट हो रही है तो एक हो गई एम एक्स यू हमारे होते हैं अल्टीमेट इन एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन अल्टीमेट मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन अल्टीमेट मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन ठीक है एम यू एक्स एक्स अल्टीमेट कैपेसिटी अलोंग एक्सिस डायरेक्शन समझ गए ये दोनों जो है दोबारा से समझ लो ध्यान से वाई एक्सेल ये दोनों मूवमेंट जनरेट हो रही है इस कॉलम में और ये क्या है यूनि के, के केस में एक्स डायरेक्शन मूवमेंट कैपेसिटी इस कॉलम की और वाई डायरेक्शन में यूनिएक्सियल मूवमेंट की कैपेसिटी मूवमेंट कैपेसिटी वाई डायरेक्शन में ठीक है तो इनका रेशियो और इनकी पावर बाय एन और प्लस करके लेस देन होना चाहिए ठीक है तो ये चार मूवमेंट तो आपको समझ में आ गई दोबारा से एक बार और बता देता हूँ क्योंकि ये केस जो है बाई एक्सियल बैंडिंग का है तो दो मूवमेंट जनरेट हो रही होंगी एक्स के अलोंग और वाई के ठीक है साथ में ये आई एस कोड इसमें इस इक्वेशन इस में ले रहा है कि अगर यूनिएक्सियल लोडिंग होती तो क्या मूवमेंट कैपेसिटी होती है और क्या होती वाई के अलोंग वो चीज है जो हम चार्ट से निकाल सकते हैं इन्फिनिटी एन और इनफिनिटी एन जो पावर है इसका भी मैं बता देता हूँ आगे सबसे पहले एमयूक्स एन एमयू वाई मूवमेंट अबाउट एक्स एंड एक्स रिस्पेक्टिव एंड वन मैक्सिमम यूनि कैपेसिटी ऑफ कॉलम विद एन एक्सियल लोड एक्सलॉडी बेंडिंग अबाउट एक्स एंड वाई एक्स रिस्पेक्टिवली ठीक है अभी जो पावर आपको पीयू जेड हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं या फिर हम चार्ट सिक्सटी थ्री से भी निकाल सकते हैं अभी सारी चार्ट सिक्सटी थ्री क्या है वो भी दिखाऊंगा मैं लेकिन ये इक्वेशन तो आपको याद होगी तो अगर आप पीयू गिवन है अब पी यू जेड आपने इक्वेशन से या फिर चार्ट से निकाल लिया है तो अगर उसका रेशियो दो से कम और दो से बराबर है तो इन्फिनिटी एन की वैल्यू हम ये लेंगे और अगर आ पॉइंट एट से ज्यादा है तो हम ये लेंगे इन्फिनिटी एन की वैल्यू जो लीनियरी वैरी करता तो आप देखिए इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करना है एम यू एक्स एम यू वाई गिवन है एम यू एक्स वन एम यू वन वाई जैसे आपने शॉर्ट कॉलम यूनि एक्सेल बैंड मूवमेंट निकाली थी चार्ट के थ्रू वैसे निकाल लेंगे इन्फिनिटी एन पी यू बाई पी यू जेड

सॉरी एरिया ऑफ स्टील आपको एज्यूम करना है जो जीरो पॉइंट एट से फोर परसेंट के बीच में आपको एज्यूम करना है लेकिन आपको ऐसे एज्यूम नहीं करना है कि दो परसेंट कर लिया आपको ऐसे एज्यूम करना है कि ट्वेंटी डाया का बार चारों तरफ आप लगा रहे हो तो हम इतना परसेंटेज ऑफ स्टील और कवर इतना एज्यूम कर रहे हैं ठीक है ये एज्यूम कर लिया आपने ए एस सी पी यू चैट या तो आप चार्ट से निकाल लो या ऐसे इक्वेशन से निकाल लो ठीक है कब इक्वेशन यूज करनी कब चार्ट डिपेंड करता है आपके पास डाटा कितना है फिर आपको पीयू बाई पी जेट इक्वेशन पी यू जेट निकाल लिया गिवन है रेशियो निकाल लिया रेशो से आपको इनफिनिट एन की वैल्यू मिल जाएगी इसके बाद एम यू एक्स वन एम यू वाई वन याद करो चार मोमेंट है इस पूरे नमेरिकल्स में होंगी दो मोवमेंट एमयू एक्स एमयू वाई बाई एक्सएल मोमेंट्स हैं एम यू एक्स वन यूनि एक्सियल है जो आपको चार्ट से निकाल लिया है यूनि एक्स एल अलोंग वाई एक्स जो आपको चार्ट से निकालनी निकाल 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 है जो एसपी सिक्सटीन में चार्टी हुई है ठीक है अभी चारोमेंट निकल गए इनके रेशो निकाल लो अब निकालना रेशो तो निकाल लिया लेकिन आया चार्ट चार्टर सिक्स में परमिसिबल वैल्यू भी दी तो हुई है की ठीक है तो आई एस को एमयू वाई ये और पीयू पीयू जेड तो आपको पता है इन दोनों से आप परमिसिबल वैल्यू निकाल लो एमयू वाई एमयू एक्स वन की अगर वो परमिशल वैल्यू से जो एक्चुअल वैल्यू है लेस देन है तो सेफ है नहीं तो रीडिजाइन करना होगा यही कह रहा है ठीक है और अच्छे से आप इसे न्यूमेरिकल से समझ जाएंगे इतना भी टफ नहीं है बहुत इजी है न्यूमेरिकल समझते हैं चार्ट देख लो 63 ज़ूम कम कर देता हूं चार्ट 63 है जिसमें आप PU बाय इधर PU बाय AG निकाल सकते हो परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हो और कंक्रीट ग्रेड के दिया हुआ है इसमें के हिसाब से

के लिए आपने यूज की थी चार्ट फोर्टी फोर फोर्टी फाइव जो थी जो डी बाई डी और एफ वाई पर डिपेंड करती है इससे हम क्या निकालेंगे MU X1, MU Y1. तो चलिए न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं डिजाइन शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज गिवन है सब्जेक्ट टू एन pu गिवन है बाई एक्सियल मूवमेंट एमयू एक्स एमयू वाई गिवन है कंक्रीट का ग्रेड और स्टील ग्रेड गिवन है

हमने एज्यूम कर लिया है कि 20 का डाया हम ले रहे हैं तो चारों कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूट है इक्वली और क्लियर कवर जो है पचास एम एम ठीक है डी डैश पचास एम एम और डेप्थ कैपिटल डी छो एमएम mm तो हमारा डी बाई डी डैश निकल गया है पी टी एम ने वन पॉइंट टू एज्यूम कर लिया है पी बाई एफ सी के आप निकाल लोगे तो इन दोनों केस से हमें चार्ट नंबर फोर्टी फोर निकल के आती है डी बाई डी डैश रेशियो पॉइंट वन से अगर कम है तो हम चार्ट नंबर फोर्टी फोर लेंगे पी यू बाई एफ सी के बी डी आप निकाल एफ सी के गिवन है बी गिवन है डी गिवन है पी यू गिवन है पॉइंट थ्री थ्री निकल गया पी बाई एफ सी के पी एज्यूम क्या है परसेंटेज ऑफ स्टील और डी बाई डी रेशियो ये दिया हुआ एफ ई चार सौ पंद्रह ये दिया हुआ इन सभी से चार्ट नंबर फोर्टी फोर में एम यू एक्स वन निकालना है याद कीजिए एमयू एक्स वन होगा इस केस में एफ सी के बी डी स्क्वायर इतना निकल गया और इससे एम यू एक्स वन हमारी वैल्यू आ गई सेम एज एम यू वाई वन निकालना है अब एम यू वाई वन में चेंज क्या होगा कि डी डे बाई बी होगा यहाँ पेक्शन में चार्ट तो वही आ रही है फिर तो वैल्यू सेम आनी चाहिए नहीं यहाँ पे जब वैल्यू ये तो रेशो तो सेम आया देखो पॉइंट जीरो नाइन फाइव ऊपर देखो पॉइंट जीरो नाइन फाइव लेकिन यहाँ चेंज क्या हो जाएगा यहाँ देखो क्या बी डी स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा डी बी स्क्वायर

तो पी यू बाई एजी ट्वेल्व पॉइंट फाइव निकल के आया इसको चार्ट में देखते हैं हम चार्ट नंबर थ्री ये थोड़ा सा जूम कम करना होगा इसको दिखाने के लिए देखिए जो हमारा स्टील था वो था चार सौ पंद्रह यानी कि ये वाली लाइन तो ज्यादा रफ हो रहा चार सौ पंद्रह स्टील था और ये वाली लाइन कंक्रीट था बीस ये वाली लाइन ठीक है परसेंटेज़ ऑफ स्टील था 1.2 लगभग यहाँ पे ये ये लाइन इसको यहाँ क्रॉस कर रही है अब इसको हम यहां से लाइन खींचेंगे यहां पे कर रही है अब यहां से लाइन खींचेंगे हम तो लगभग ये 12.2 आ रही है तो पी बाय बायी यानी पी यू जेड बायी क्या ग्रॉस एरिया पांच सौ इंटू हमारी वैल्यू आ गई ये रही। की वैल्यू आ गई के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पीयू की वैल्यू आ गई तो हमारे पास चारों मूवमेंट आ चुकी है गिवन दो हजार किलोमीटर सब चीजें आ गई है हमारे पास अब क्या करना है हमें याद करो स्टेप में परमिसिबल स्ट्रेस निकालनी है इसकी किसको लेके इसको लेके इसको लेके चार्ट नंबर सिक्सटी फोर में अब चार्ट नंबर सिक्सटी फोर में चलते हैं ये चार्ट नंबर सिक्सटी फोर ठीक है वाई की वैल्यू दी हुई एम यू वाई वन जो भी अभी हमने देखी नहीं है और पीयू बाई पी जेड की है, इससे हमारी एमयू बाई एक्स की परमिसिबल वैल्यू आ जाएगी तो परमिसिबल वैल्यू आ गई एम यू एक्स वन की पॉइंट एट और हमारी रेशियो कितना आ रहा है पॉइंट फाइव एट फाइव यानी यानी कि कि से, से हमारा सेफ है। हमारा सेफ है, है है। है, ठीक अब करना तो P of steel, upon 100, आ गया, convert कर लिया बार में का डाया, बार बार के डाया का हमने यूज कर लिया है ये रे बारह बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमने फिर डिजाइन ऑफ टाइज वही आपका टाइज इन शुड नॉट लेस देन तो हमने एट डाया का एज्यूम कर लिया सेम शॉर्ट कहलाम कॉलम फिर पिच लेस्ट लेटरल डायमेंशन सिक्सटीन फाइव और तीन सौ एमएम से कम नहीं होनी चाहिए ज्यादा नहीं होनी चाहिए होने सौ लिया तो टाइज हो गई हमारी गया mm mm तो, तो सेम है ऐसी डिजाइन करना दोबारा से मैं बताता हूं आपको एक हल्का सा शॉर्ट में आपको एक्स गिवन है ठीक है एम यू एक्स गिवन है आपको एमयूए गिवन है एमयू वाई गिवन है ठीक है पीयू आपको गिवन है पी यू बाई पी जेड आपको निकालना है पीयू जेड ठीक है ये जो निकलेगा ये निकलेगा चार्ट से ठीक है अब बात हो गई हमारी एम यू एक्स वन और एम यू वाई वन ये सब निकलेगा चार्ट से जो आपने शॉर्ट कॉलम यूनि एक्सेल में निकलता था सारी चीज निकलने के बाद इस रेशो को लेना है आपको वाई वाला रेशियो लेना है मोमेंट का और पी यू बाई पी जेड लेना है इससे निकालना परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ एम यू इसकी रेशियो की अगर कम है जो एक्चुअल वैल्यू है तो हमारा सेफ रीडिजाइन करेंगे सेफ होने के बाद जो स्टील एज्यूम किया है उससे एरिया ऑफ स्टील निकाल देंगे और उससे हम बार में कन्वर्ट कर देंगे फिर नॉर्मल जैसे शॉर्ट कॉलम में आप टाइज डिज़ाइन करते थे कि कितना मिनिमम डाया चाहिए और हम पिच कितना लेना है हमें सेम उस ऐसे को कर लोगे तो ये था आपका कॉलम विद बाय एक्सेल लोडिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है चार या पांच क्वेश्चन है कॉलम के वो आप जल्द से जल्द करके भेज दीजिए मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया थैंक यू